हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, खुश रहिए हमेशा। माई सेल्फ JPN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। अब से पहले हमने एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स एंड सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, इन सब के ऊपर डिस्कशन कर चुके। इस सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन के साथ में हमने MPC और MPS के ऊपर डिस्कशन किया, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। जो MPC होता है वो कंजप्शन फंक्शन का जो स्लोप है उसको शो करता है, और MPS होता है वो सेविंग फंक्शन के स्लोप को शो करता है। तो ये डिस्कस किए तो बीच में एक बात आई थी APC और APS की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, ये दो की बात नहीं की हुई थी। तो साथ में अब APC, APS, MPS और MPC, इन सब के बीच में रिलेशन पड़ते हैं कि कैसे क्या होता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फर्स्ट APC, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम गोइंग टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट इज मेजर एज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। जो APC है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी टोटल है हमारा उसमें जितने भी नंबर ऑफ जो संख्या है उसके भाग दे देंगे। इसी तरीके से जो अब मैं बात कर रहा हूँ नाम आ रहा है जिसमें कंज्यूम, और कंज्यूम किसके बेस, कंजप्शन किसके बेस पे होगा, इनकम के बेसिस पर। तो इनकम के बेस, इनकम पर और कंजप्शन के बीच में कितना रिलेशन है उसके बीच में शो करेगी ये। तो टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम के बीच में रिलेशनशिप्स को शो करती है APC। अब बात करूं मैं इसके फॉर्मूला वगैरह की, तो द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। APC इक्वल टू C/Y। इफ इनकम वाई इनकम इज 100 करोड़ एंड कंजप्शन इज 80 करोड़, देन APC इक्वल टू 80/100 इक्वल टू 0.8, मतलब 80%। द इंडिकेट्स दैट 80% ऑफ द इनकम इज स्पेंड बाय द वे ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। द वैल्यू ऑफ APC जनरली लेस देन वन बिकॉज ऑफ्टन ए पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड। However, there can be situation when APC equal to 1, when C equal to Y. देखो, generally जो APC होता है वो एक से कम ही होता है, और केवल उसी केवल एक कंडीशन में APC इक्वल हो सकता है 1 के, जब कंजप्शन और इनकम होती है जब दोनों इक्वल हो, उसी कंडीशन में APC होगा वो दो इक्वल टू 1 होगा, नहीं तो हमेशा एक से कम ही होगा, याद रखना ये बात। एंड APC ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजप्शन ज़्यादा, अगर APC कब ज़्यादा हो सकता, देखो कम हमेशा कम रहता, जनरली कम रहेगा, ठीक है, लेकिन इक्वल 1 के इक्वल, एक से हमेशा जनरली कम रहता है। अगर तो एक के इक्वल कब होगा, जब कंजप्शन प्लस इनकम दोनों इक्वल होंगे। और APC जब ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है, जब कंजप्शन ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी। ओके बच्चों, ये तीन बातें बताई है मैंने, सी ग्रेटर देन वाई, वैन सी वाई इक्वल टू वाई, एंड वैन सी लेस देन वाई। कैसे, इसको डायग्रामिक प्रेजेंटेशन देखे टेबल में। सिचुएशन 1, APC ग्रेटर देन 1, तो इनकम वाई 0 है और 20, कंजप्शन कितना है 20, और हमारा इनकम कितनी है 50 और कंजप्शन कितना 60। तो 60/50 करेंगे तो हमारा APC कितना आएगा, APC निकालने का फॉर्मूला C/Y। तो कंजप्शन कितना 60/ अपन ने 50 किया तो कितना आएगा 1.2, तो एक से ज़्यादा है, 0.2 ज़्यादा है, तो इट मीन्स APC ग्रेटर देन 1। सिचुएशन 2, APC इक्वल टू 1 कैसे होगा, जब मैंने बोला था कि APC इक्वल टू 1 जब होगा, जब कंजप्शन और जो इनकम होगी दोनों इक्वल रहेंगी। तो कंजप्शन भी 100 है और इनकम भी 100, इट मीन्स APC इक्वल टू 1। सिचुएशन 3 की बात कर रहा हूँ, APC लेस देन 1,
कैसे होगा, जब इनकम ज़्यादा होगी और कंजप्शन कम होगा। तो इनकम हमारी 150 है और कंजप्शन कितना 140, इट्स मेन इनकम 0.934। तो हमारा ये लेस, इट्स मीन एपीसी लेस देन वन। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें आप, फिगर नंबर 5 टेबल जब ई नोट्स देखेंगे तब। द डायग्राम शो दैट व्हेन सी लाइन इज अबव द वाई लाइन, सी ग्रेटर देन वाई। जो कंजप्शन वाई के ऊपर, कंजप्शन की जो लाइन है वो 20 से स्टार्ट हो रही है और इनकम की इस लाइन कहाँ से हो रही है, जीरो से। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब हमारा जो लाइन है कर्व है सी कंजप्शन का, वो वाई से ऊपर है, वाई के कर्व से। इट्स मीन कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है। और जब दोनों, इट्स मीन सी ग्रेटर देन वाई, और सी लाइन बिलो द वाई लाइन, सी अगर कम लेस देन वाई है, मतलब सी का जो कर्व है वो वाई के कर्व से नीचे। इट्स मीन्स सी लेस देन वाई, कंजप्शन कम है वाई से, इनकम से। एंड सी लाइन क्रॉस द वाई लाइन, सी इट्स मीन्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये क्यू नंबर के पॉइंट पर, देखो टी नंबर पॉइंट पे ज़्यादा है, क्यू नंबर के पॉइंट पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट्स मीन्स कंजप्शन और इनकम दोनों सी इक्वल टू वाई है। ओके, इट्स मीन जो ए पी सी आएगा वो जो एक आएगा, और टी पॉइंट पर क्या होगा, ए पी सी ग्रेटर देन वन होगा, और लेस देन सी लेस देन वाई है तो आर नंबर के पॉइंट पर जो ए पी सी होगा लेस देन वन होगा। तो ये बात हो गई है ए पी सी के। अब बात करें अपन एम पी सी, ए पी सी की बात की। अब एम पी सी को थोड़ा और डिटेल में बात करें तो देखो, आपको मैं वैसे करा चुका हूँ एम पी सी। एम पी सी इट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम एन इकोनॉमी सी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, सॉरी सॉरी, इट रेफर टू द प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम गोइंग टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट मेजर एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन डेल्टा सी एंड चेंज इन वाई मीन्स इनकम। तो जो ए पी सी था वो इनकम और कंजप्शन में रिलेशनशिप शो कर रहा था, एम पी सी है वो कंजप्शन और अपनी इनकम के बीच में शो करेगा। तो एम पी सी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो मैं ये एग्जाम्पल है, 1 करोड़ रुपये है हमारी इंक्रीज इनकम एंड 1200 करोड़ कंजप्शन। इट इंक्रीज फ्रॉम 8 करोड़ टू 90 करोड़। इट मीन द चेंज ऑफ इनकम 20 करोड़ एंड चेंज कंजप्शन 100 करोड़। तो कंजप्शन कितना है, 100 करोड़ से चेंज हो रहा है, और हमारा इनकम कितने से, 200 से चेंज हो रही है। इट्स मीन्स 100 / 200 इक्वल टू 0.5। जो ये 0.5 आया हमारा एम पी सी आया है। एम पी सी कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन, एम पी सी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगी। बिकॉज एम पी सी इज प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम एंड द प्रपोर्शन ऑफ द एडिशनल यूनिट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द एडिशनल यूनिट इट सेल्फ। एम पी सी हमेशा एक के एडिशनल यूनिट का कंजप्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगी हमारी ये। तो ये मैंने और ज़्यादा डिस्कस कर लिया, इसके ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया हमें एम पी सी का। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करें प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर टू द प्रोपोर्शन, बोला एम जो प्रोपेंसिटी टू सेव मीन्स ए पी सी, ए पी सी इज रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम दैट गोज टू सेविंग। इट इज मेजर एज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम द इकोनॉमी। टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच में क्या ए पी एस होगा, वो रिलेशनशिप शो करता है एस अपॉन वाई। ए पी एस इक्वल टू एस अपॉन वाई, 40 / 100 इक्वल टू 0.4। तो ये टेबल में दे रखा है, ग्राफ के रूप में दे रखा है, माइनस होगा अगर कंजप्शन जीरो है, सॉरी इनकम जीरो है, कंजप्शन 20 है, तो इट मीन्स सेविंग जीरो है। इट जीरो, इनकम जीरो होने की स्थिति में हमारी ये नेगेटिव होगी, ठीक है। और जब कंजप्शन और इनकम दोनों इक्वल होंगे तब ये जीरो होगी हमारी जो सेविंग है, और जब
इनकम ज़्यादा होगी कंजप्शन से, इट्स मीन्स सेविंग ग्रेटर ज़्यादा होगी, पॉजिटिव रहेगी। तो जो MPS है वो APS हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और सेविंग, सॉरी APC था, ये तो मैंने MPC को बताया। APC के बाद में ग्रेटर देन वन होगी, कभी भी लेस देन हमेशा एक से कम रहेगी, ग्रेटर देन वन कभी नहीं हो सकती। इसी तरीके से APS है वो इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशनशिप शो कर रही है, टोटल इनकम और टोटल सेविंग के बीच में। एंड APC इज़ द वैल्यू, APS इज जनरली लेस देन वन बिकॉज ओनली ए पार्ट ऑफ इनकम इज सेव। APS द वैल्यू ऑफ APC इज द वैल्यू ऑफ APS जनरली लेस देन वन। APC की वैल्यू और APS की वैल्यू दोनों हमेशा एक से कम रहेगी। द कैन बी सिचुएशन वैन APS जीरो और इवन नेगेटिव, APS इज जीरो वैन देयर इज नो सेविंग आउट ऑफ इनकम। APS जीरो है, APS जीरो है, इट्स मीन्स हमारे पास सेविंग कुछ भी नहीं है। एंड इट इज नेगेटिव वैन सी लेस ग्रेटर देन वाई, अगर ये नेगेटिव है तो सी ग्रेटर देन वाई मतलब कंजप्शन ज़्यादा, वाई से ज़्यादा, इनकम से ज़्यादा है। ओके एंड ठीक है बच्चों, ये बात हो गई है अपनी। वैन एस सॉरी सेविंग्स पॉजिटिव बट लेस देन वैन, जब लेस इनकम हमारी जो इनकम होगी सेविंग से ज़्यादा कंजप्शन से ज़्यादा होगी, तब हमारी जो एस होगी पॉजिटिव होगी और हमेशा वह इनकम से कम रहेगी। ये है APS हमेशा लेस देन वन रहेगा, APC भी लेस देन वन ही रहेगा। तो ये बात की हमने APC और APS की और MPC की। अब बात करें हम MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव चेंज बताता है डेल्टा चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। MPS इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो एक एग्जांपल लूँ, अगर इनकम 100 करोड़ है और 200 करोड़ हो जाती है और सेविंग हमारी 20 करोड़ से 80 करोड़ हो जाती है, इट्स मीन इनकम में कितने चेंज हो रहा है, 200 से 200 हो गया, इट्स मीन्स 100 चेंज हो गया, और हमारी सेविंग 20 से 80 हो रही है, तो इट्स मीन चेंजेस कितना हुआ हमारी सेविंग में, 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.6 कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। 0.6 ये बात हो गई है MPS की। MPS इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सॉरी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ये सब डिस्कस किया हमने आज, APC MPC APS MPS के ऊपर डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योर डे।